आई डोंट केयर बिग बॉस का फिनाले हो या फिर बिग बॉस का कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा बिग बॉस सीजन 11 था, 12 से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैम यहाँ पे, यहाँ पे टाइफा अवार्ड, 7th टाइफा अवार्ड है जो भी टेलीविजन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और मेरा आफ्टर बिग बॉस फर्स्ट टाइम टाइफा में आ रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, और मेरा परफॉर्मेंस भी है। आई डोंट केयर बिग बॉस का फिनाले हो या फिर बिग बॉस का कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा बिग बॉस सीजन 11 था, 12 से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का अभी बता नहीं सकती, बिकॉज एक आर्टिस्ट का ऐसा रहता है कि कल पता नहीं क्या होने वाला है, कौन सा आपका सीरियल मिलने वाला है, किस चीज़ में आप एक्ट करने वाले हैं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ ये है कि 2019 बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। फेवरेट है मेरा, मैंने पहले भी बोला है कि मुझे श्रीशांत बहुत ज़्यादा पसंद है, और आई लव श्रीशांत, और उसका जो भी वो गुस्सा करता है, कुछ भी करता है, तो मुझे उसमें रूठ जाना है या फिर कुछ भी करना है तो वो अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है। कल फिनाले है, कुछ एक्साइटमेंट है? फिनाले तो आज है, कल तो दिखाएंगे। तो एक्साइटमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि श्रीशांत जीत जाए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा ना हो फिक्सिंग हो गई हो दीपिका कक्कड़ के लिए। न्यू ईयर आ रहा है, क्या प्लानिंग्स करके रखी है, कोई स्पेशल प्लानिंग की है? मेरे लिए हर दिन ही न्यू ईयर है, मैं तो हर सुबह न्यू ईयर की तरह मनाती हूँ, मुझे कोई 31 दिसंबर या 31 दिसंबर से कोई मतलब नहीं है। हाँ इवेंट बड़ा आ गया तो बड़ा मज़ा आएगा, कहीं भी कर सकती हूँ, घर में भी कर सकती हूँ, बाहर भी कर सकती हूँ। आई डोंट लाइक क्लब्स मैन। मैं अपनी आवाम से कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने एक साल मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा और इंशाल्लाह हम ऐसे ही जलवे दिखाते रहेंगे। इस बार तो फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ हमारा दोस्त करणवीर है वहाँ पे, उसके लिए हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा इंसान है, और अच्छे इंसान की जीत होनी चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे फ्रेंड है, दीपिका फ्रेंड है, अभी पिछली फिल्म में इनकी हीरोइन भी थी, तो देखा जाए तो आई मीन कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, पर उस तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे, बट मे द बेस्ट पर्सन विन। देखिए ये मेरा 10-12 साल मुझे रेडियो करते हो गए, और ये पहला रेडियो अवार्ड है मुझे बिंदास आरजे के लिए मिला है। टेलीविज़न में डेब्यू तो 2014 में हो गया था, उसके लिए मुझे अवार्ड पहले ही मिल गया था, लेकिन ये पहला अवार्ड रेडियो के लिए, रिकग्निशन के लिए, जिसकी वजह से मैं जाना गया, तो बहुत खुशी की बात है। एंड ताइफा थैंक यू सो मच कि आपने जो है अप्रिशिएट किया मेरे टैलेंट को, क्योंकि रेडियो पे मैं काफ़ी सालों से और हमेशा नॉमिनेट होता हूँ लेकिन कभी अवार्ड मिलता नहीं है, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम मिला है, तो खुशी की बात है। बहुत शानदार रही, बहुत बड़े बड़े जीनत अमान जी के हाथों में मिला, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे जिनको बरसों जो है हमने स्क्रीन पर देखा है, सिल्वर स्क्रीन पर देखा है, पहली बार जो है मौका मिला है कि उनके साथ स्टेज शेयर किया, और उनके हाथों, तो मतलब ये ब्लेसिंग ही है अपने आप में। बिग बॉस मैंने इस साल बहुत फॉलो किया दबा करके, और मैंने बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए, बहुत ज़्यादा दुश्मन भी बनाए बिग बॉस को फॉलो करने के चक्कर में, क्योंकि अगर किसी एक को फॉलो करो दूसरे के वेल विशर्स, फॉलोअर्स, फैंस जो हैं वो चिढ़ जाते हैं, तो वो हुआ है। मैं श्रीसंत को फॉलो कर रहा था और दीपिका कक्कड़ को फॉलो कर रहा था, तो बाकी लोग वो ट्विटर पर होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम जिक्र नहीं कर सकते, तो अच्छे दोस्त भी बनाए, दुश्मन बहुत बनाए बिग बॉस को फॉलो करने के चक्कर में। भाई सीधी सीधी बात है, बिग बॉस इस साल जो है वो श्रीसंत जीतने वाला है, ये मुझे लगता है, मेरी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि करण, माय वाइफ इज देयर एंड शी सेइंग करणवीर, सो करणवीर बोल रहा आ जा कम, ये मेरे साथ नचबलिए में थी और इनके कारण ही जो है मैं डांस कर पाया, अदरवाइज नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता, तो इनकी चॉइस जो है वो करणवीर बोल रहा है। आई लाइक श्रीशांत आल्सो बट आई थिंक करणवीर। कितना फाइट होता है दोनों का इस
stays quiet. तो बीबी के आगे किसी की चलिएगा भाई, जो मेरी चलेगी, सारे कैमरा में नजर हैं, हमारी भी नहीं चलती।